सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चुनेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि सांबा जिला पुलिस इस समय पशु तस्करों पर कड़ा प्रहार कर रही है और कहीं ना कहीं पशु तस्करी के प्रयासों को भी विफल कर रही है। लेकिन पशु तस्कर जो है वह पशु तस्करी को करने के लिए हर कोई हथकंडा अपना रहे हैं। जिस तरह से आपने पहले भी खबरें देखी होगी कि उसमें पशु तस्कर नए नए हथकंडे अपनाकर पशुओं की तस्करी कर रहे थे। लेकिन आपको बता दूं कि सांबा जिले के गुगवाल पुलिस थाना के अंतर्गत रायपुरा पुलिस चौकी ने बीते रात को एक पशु तस्करी के प्रयास को विफल किया है, जिसमें मंगलवार की और सोमवार और मंगलवार की रात को रायपुरा पुलिस चौकी को एक गुप्त सूचना मिलती है कि कुछ अज्ञात लोग जो हैं वह पशुओं को पैदल ही लेकर जा रहे हैं बेनाला खड्ड से। तो पुलिस टीम ने चौकी प्रभारी साजिद जराल के नेतृत्व में दबिश दी और जैसे ही पुलिस टीम बेनाला खड्ड में पहुंची तो वहां पर जब जो पशु तस्कर थे उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। लेकिन खुशकिस्मती यह रही कि किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई है। वहीं आगे से जब पुलिसकर्मियों ने भी जवाब दिया तो पशु तस्कर जिनकी संख्या जो बताई जा रही है कि लगभग 6 से 8 लोग हो सकते हैं, वह अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में भाग निकले। वहीं पुलिसकर्मियों ने पशु जो मवेशी थे उनको 10 मवेशियों को जो मुक्त करवाया और वहीं गगवाल पुलिस की जो गौशाला है वहां पर पहुंचाया। वहीं पुलिस चौकी में इन अज्ञात पशु तस्करों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि लगातार पशु तस्करी के प्रयास देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सांबा जिला पुलिस जो इस समय सतर्क है और पशु तस्करी के प्रयासों को लगातार विफल कर रही है। जिस तरह से आए दिन आप खबरें सुन रहे हैं कि सांबा जिले के अलग अलग जो पुलिस थाने हैं वहां पर पुलिस जो है पशु तस्करी के प्रयासों को विफल कर रही है। बात की जाए एसएसपी सांबा विनय कुमार शर्मा जी की तो उनके कड़े निर्देश जो है वो थाना प्रभारियों को दिए गए हैं कि वह किसी भी तरह का क्राइम हो सांबा जिला में, चाहे पशु तस्करी हो, नशे को लेकर हो या फिर अन्य जो क्राइम हो, उनको लेकर सख्त निर्देश उन्होंने जारी किए हैं कि कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी और सख्त एक्शन जो लिए जाएंगे। इसी के चलते जो सांबा जिले में लगातार पशु तस्करी के प्रयासों को विफल किया जा रहा है। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टर समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। धन्यवाद।